हेलो नमस्कार, इजी मैथ्स विद नीलम में मैं हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम लेके। अब ये मैथ है तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसका प्रॉब्लम आएगा। हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है कि दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना। कोई भी एंगल दिया हुआ है, अब उसके एकदम बराबर कोण हम कैसे बना सकते हैं, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम एकदम आसान तरीके से दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम कोई एक कोण बनाते हैं। ये कोई भी कोण दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि ये कितने अंश का है, लेकिन हमें इसके बराबर एक कोण बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले ये तो दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। तो चलिए हम एक रेखा खींचते हैं, कोई भी रेखा हम खींच लेंगे। इसका नाम हमने रख दिया है x एंड y। ये रेखा है x y। अब हमें क्या करना है, कितने अंश का यहाँ पे कोण बनेगा, क्योंकि हमें इसका अंश मालूम नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। अब इस वाले जो दिया हुआ कोण है उसमें हम आते हैं, जो हमारा कोण जहां पर बन रहा है बिंदु B पर, A B C, बिंदु B पर जहां हमारा कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वहां पर हम प्रकार की नोक को रखकर एक चाप खींचेंगे। तो ये प्रकार की नोक है, एक चाप हमने बना दिया। अब ये चाप जो हमने बनाया है इसे हम खोले, छोटा या बड़ा नहीं करेंगे। एक बार जो चाप का ये डिस्टेंस आ गया, हम इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस कोण पे हमने एक चाप खींच दिया है। अब यही चाप हम यहां पर बिंदु x पर खींचेंगे, बिंदु x पर भी हम यही एक चाप लगा देंगे। ये देखिए, ये चाप लग गया बिंदु x पर। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें दूरी लेनी है, ठीक है। ये जो चाप कट रहा है इसका हम कोई नाम रख देते हैं, P और Q। ये बिंदु Q है और ये बिंदु P है। अब हमें क्या करना है, P और Q की दूरी लेनी है। तो हम P और Q को इसी से नाप दें, Q पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे और इसको हम P तक एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए, Q पर हमने रखा है और इसको P तक हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो दूरी है ये P और Q की दूरी हो गई। जो चाप लगाया था वो अलग था, और अब जो ये दूरी है ये P से लेकर Q तक की दूरी है। अब हमें क्या करना है, ये जो यहां पर है यहीं से हमें चाप लगा देना है। ये देखिए, ये चाप लग गया। आप देख सकते हैं कि इस पुराने वाले चाप को ये नया वाला चाप यहां पे कहीं पे काट रहा है। मान लीजिए ये ओ बिंदु पर काट रहा है, ये ओ बिंदु पर काट रहा है। अब हम x और o को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो चलिए,
इसका नाम हम Z रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कोण बन गया, कोण ZXY, क्या कोण ABC के बराबर है? अब हम नाप के देखते हैं कि कोण ABC हमने कितने अंश का बनाया था। देखिए ये बना है 73 डिग्री का, ये है 73। अब हम इसको यहां पे नापते हैं, ये भी है 73, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने आसान और सिंपल तरीके से दिए हुए कोण के बराबर कोण को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।